अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अरसियम्स कुज़ीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है चावल, मीठे चावल बनाने की तरकीब। तो हम लोग चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले जो हम लोग चावलों को लेंगे उसको करेंगे बॉयल। तो बॉयल करने से पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 किलो चावल। 1 किलो चावल से हम लोग बनाएंगे अपने मीठे चावल। 1 किलो चावल है यहाँ पर, ये जो है वो मैंने इनको अच्छे से साफ करके पानी के अंदर इनका मतलब सारे जो है वो कचरा जो अंदर से होता है उसको साफ करके बहुत अच्छे से इनको यहाँ पर रख लिया है। ये मेरे पास चावल जो है थोड़े गीले गीले टाइप हैं। और यहाँ पर है मेरे पास 4 से 5 अदद जो है वो इलायची, और ये है मेरे पास 4 से 5 अदद लौंग। तो चलें हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपने चावलों को बॉयल करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अगले स्टेप्स की तरफ, क्योंकि चावल बॉयल होंगे फिर ही जो है वो सबसे मेन काम हमारा बॉयल करना ही है। तो हम लोग चलते हैं इसको बॉयल करने की तरफ। जी, तो यहाँ पर मैं अब लूँगी पानी, 2 से 3 बड़े कप पानी लूँगी। उसके अंदर इन चावलों को जो है वो अच्छे से करूँगी बॉयल। बॉयल करते वक्त जो मैं इसके अंदर डालूँगी वो है मेरे पास 1 से 2 चुटकी नमक। 2 से 3 चुटकी नमक डालने के बाद हम लोग डालेंगे 1 बड़ा पीस या 2 छोटे पीस इतने जो है वो दालचीनी के। इससे नमक से हमारा जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और चावल जो है बहुत अलग अलग से फील होंगे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ इसको बॉयल करने की तरफ, फिर अगला व्यू आप लोगों को दिखा। जी, तो गाइस मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए थे और ये बॉयल आ रहा है। इसके अंदर मैंने दालचीनी की वो स्टिक्स डाली थी जो आप लोगों को दिखाई, ये आप लोग देख सकते हैं। और मैंने 2 से 3 जो है वो चुटकी नमक डाला इसके अंदर। अब ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। बॉयल हमने इस तरह करने हैं कि इसके 90% को हमने बॉयल कर लेना, लेकिन जो 10% होगा वो हम लोगों ने इसके अंदर कच्चापन रहने देना है, क्योंकि वो हम लोग जब एंड में चावलों को दम देंगे मतलब जो है वो इसके अंदर बनाकर, फिर जो है वो तब इसके अंदर वो अच्छे से पक जाएंगे, वरना तब जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, तब वो जो है वो मिक्स मतलब सही नहीं होगा। इस वजह से हमने इसको 90% तक जो है वो पकाना है। तो चलिए मैं इसको पका कर आप लोगों को दिखाती हूँ कितना पकाया है मैंने इसको। जी, तो गाइस 5 से 10 मिनट पकाने के बाद मेरे चावलों के अंदर अच्छे से बॉयल भी आ गया था और ये मेरे चावल जो है वो 90% तक पक भी चुके हैं। मैं आप लोगों को इसको दिखा देती हूँ कि मैंने इसको कितना पकाया है। बस ये अच्छे से पक गया है। बस इसके अंदर सिर्फ 10% जो है वो कच्चापन महसूस हो रहा है, वो भी जब हम लोग एंड पे दम देंगे तो वो बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो चलिए अब मैं इसको अंदर से जो है पानी को निकालती हूँ, और निकालने के बाद हम लोग अगले स्टेप्स की तरफ चलते हैं। तो जब हम लोग इसके, और मेन बात ये कि जब हम लोग चावल इसके अंदर डालेंगे तो हम लोग चम्मच की मदद से इसको बहुत अच्छे से हिलाते रहेंगे, वरना हमारे चावल आपस में जुड़ जाएंगे और वो बहुत ही गंदा मिक्स जो है वो नज़र आएगा। तो वो हम लोगों ने नहीं करना, बस हम लोग इसको अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और फिर इसको जो है वो अब करते हैं हम लोग इसको निकालते हैं अपने दूसरे बर्तन के अंदर। तो चलें चलते हैं फिर अगले स्टेप्स की तरफ। जी, तो हमारे चावल अब अच्छे से बॉयल हो गए। मैंने इनको जो है वो पानी उनका खुश्क होने के लिए एक साइड पे रख दिया था। अब हम चलते हैं अपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। नेक्स्ट स्टेप वो यहाँ पर ये है कि हम लोग चीनी की जो है वो चास बनाएंगे, वो इस तरह बनाएंगे कि जो जो चीज़ें उसके अंदर चाहिए अब हम लोग वो जो है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी कुकिंग ऑयल। जी, तो अब यहाँ पर मैंने जो कुकिंग ऑयल यूज़ किया है वो मैंने ये वाला साइज़ का कप लिया है। इसको मैंने पूरा भर कर नहीं लिया बल्कि 3/4 पार्ट लिया है इसका। इसको मैं अपने डाल दूँगी इसके अपने बर्तन के अंदर, इसको डाल दूँगी। डालने के बाद अब हम लोग फ्लेम चला देंगे इसके नीचे, मतलब लो फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे। यहाँ पर मैंने अब कुकिंग ऑयल ले लिया है, इसके अंदर मैं डालूँगी अपने जो मैंने लौंग लिए थे 4 से 5 अदद, ये लौंग इसके अंदर मैं डाल दूँगी। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी मेरे पास जो थी इलायची, 4 से 5 अदद मैंने ली थी इलायची, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैं इसको जो है वो लो फ्लेम पर पकाऊंगी। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। इसके बाद हम लोग इसके अंदर जो डालेंगे, जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है हम लोग इसके अंदर चीनी डालेंगे। चीनी का मैं आप लोगों को हिसाब बता दूं कि अगर आप लोगों ने 1 कप चावल मतलब 1 किलो चावल बनाए हैं, 1 कप चावल लिया है, तो उसके अंदर 800 ग्राम चीनी डालेंगे। मतलब हम लोग जितने चावल लेंगे उससे 2 गुना कम जो है वो चीनी डालेंगे। अगर चीनी आप लोग ज़्यादा लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल हद है वो यही है कि हम लोग 2 गुना उस चावलों से कम लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने बाउल के अंदर चावल लिए थे वो मैंने चावल का बाउल पूरा भर कर यूज़ किया था। अब मैं जो चीनी यूज़ कर रही हूँ वो भर कर नहीं बल्कि इतनी यूज़ कर रही हूँ, मतलब उसके 2 हिस्से कम यूज़ कर रही हूँ, ताकि हमारी जो है वो चावल सिर्फ नॉर्मल में बहुत ज़्यादा मीठे भी ना हो जाए और बहुत जो है वो मतलब कम मीठा भी ना रह जाए। तो ये जो चीनी का हिसाब है ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप लोग अगर यही रखेंगे तो बहुत अच्छे चावल बन जाएंगे। तो चलें ऑयल गर्म हो रहा है, हम इसके अंदर ही डाल देंगे इस चीनी को। चीनी को इसी के अंदर डालकर हम अपने बर्तन को साफ कर लेंगे। अब जो हमने मतलब ऑयल यूज़ किया था उसी के अंदर हम इस चीनी को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे।
अब ये जो है वो इस चीनी अपना पानी इसके अंदर ही छोड़ेगी, इससे पानी को भी हम लोगों ने हिसाब जो रखना है तो बहुत एहतियात से रखना पड़ेगा, वरना हमारे चावलों के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो एंड पे जाके हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला बनेगा। तो चलिए पहले हम लोग चीनी को थोड़ी देर के लिए मेल्ट करते हैं, फिर इसके अंदर अगली चीज़ जो ऐड करेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। वो मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर दूध। तो दूध जो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी वो है, अगर आप लोग घर का यूज़ करना चाहें तो घर में मतलब जो आम यूज़ किया जाता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लोग डिब्बे का दूध यूज़ करेंगे तो वो भी ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, दोनों से हमारे जो है वो चावल ठीक बनेंगे। तो ये चीनी जो है वो काफ़ी हद तक इसके अंदर बॉयल के अंदर डिप हो गई है। अब डिप होने के बाद इसकी जब मतलब पानी छोड़ेगी तब हम लोग जो है वो अपना अगला स्टेप करेंगे जी। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं इसके अंदर यूज़ करने वाली हूँ वो है मेरे पास आधा कप दूध। आधा कप ही यूज़ करेंगे, वरना एंड पे जाके जब हम ज़्यादा करेंगे तो ये बहुत मसला बनेगा। चीनी हम लोग इतनी ही करेंगे यूज़ और इसको अच्छे से हम लोग कर लेंगे अब मेल्ट। तो चलिए अब हम इसको करते हैं अच्छे से मेल्ट, फिर हम लोग इसका बनाते हैं शीरा आगे जाके। चीज़ों को ऐड करने के बाद मैंने दूध इसके अंदर फ़ौरन ही ऐड कर दिया था, वरना अगर हम लोग दूध थोड़ी देर बाद करते तो चीनी ब्राउन हो जाती, तो क्योंकि हमारे चावल जो है वो वाइट कलर में है और दूसरे कलरफुल हम लोग बनाएंगे, तो अगर हम लोग जर्दा कलर मतलब जर्दा चावल बनाएं तो उनके लिए ब्राउन चीनी ठीक रहती है, लेकिन हमने यहाँ पर चीनी को जो है वो बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, इसलिए मैंने फ़ौरन जो है वो दूध भी डाल दिया था इसके अंदर। अब जो है वो हमने इतना इसको पकाना है कि हमारी चीनी अंदर से अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये जो है वो थोड़ी सी मतलब ये थोड़ी सी अपनी सही फॉर्म जो है वो इख्तियार कर ले। तो चलिए हम इसको 5-10 मिनट के लिए और पकाते हैं ताकि हमारी चीनी अंदर तक अच्छे से मेल्ट हो जाए, तब तक ये जो है वो इसके अंदर बबल्स भी ऐसे पैदा होते रहेंगे जी। तो गाइस जब वो बबल्स आ चुके थे उस मिक्सचर के अंदर, तो अब मेरा मिक्सचर बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। ये मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा है क्योंकि ये हमारा मतलब जो है वो चीनी थी इसके अंदर, इस वजह से इसके अंदर थोड़ा गाढ़ासापन आ जाता है। तो चलिए ये मेरा मिक्सचर बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। जो हमारा जो है वो लास्ट स्टेप वो हम लोगों ने देना है इसके अंदर कलर, क्योंकि हम लोग कलरफुल चावल बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैंने कलर्स यूज़ किए हैं वो मेरे पास है, ये वाला है मेरे पास रेड कलर, ये मैंने लिया है सिर्फ 2 से 3 चुटकी, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर ये ग्रीन, एप्पल ग्रीन कलर है ये मेरे पास, ये भी मैंने इतनी ही मिकदार के अंदर लिया है। ये है मेरे पास येलो कलर, येलो कलर आप लोग इसकी जगह पिंक या कोई भी कलर और भी यूज़ कर सकते, लेकिन अमूमन ये 3 कलर ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर इन 3 कलरों का ही इस्तेमाल किया है। तो चलें अब जो अगला स्टेप है वो ये है कि हम लोग इन चावलों को जो है वो जो हमने चावल बॉईल करके रख दिए थे एक साइड पे, वो भी हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इस मतलब जो इस मिक्सचर को डालूंगी अपनी बर्तन के अंदर और फिर उसके अंदर डालेंगे हम लोग चावल, फिर हम लोग ऊपर से डालेंगे इनके कलर्स, फिर हम लोग अगला जो है वो स्टेप करेंगे। तो चलें हम लोग चलते हैं अपने स्टेप अगले स्टेप्स की तरफ। तो अगर तब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें, उससे मेरी जो नई वीडियो आएगी वो आप लोगों को फौरन जो है वो मिल जाया करेगी। लाइक और कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो चलें अब हम लोग चलते हैं अपनी अगले स्टेप्स की तरफ। सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पर अपने इसी मिक्सचर को डालूँगी अपने बर्तन के अंदर जी। तो अब मैंने सारे मिक्सचर को अपने बर्तन के अंदर डाल लिया है, अब मैं इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप करने जा रही हूँ वो है इसके अंदर जो चावल बॉईल किए थे मैंने वो मैं अब इसके अंदर डालकर इसको जो है वो अच्छे से मिक्स करूँगी। तो चलिए मैं अब इसके अंदर डालती हूँ चावल जी। तो मैंने यहाँ पर चावल डाल दिए, अब चावल डालने के बाद मैंने इसको कर दिया अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद चावलों को हिलाने के बाद अच्छे से हमारा मेन स्टेप यहाँ पर ये आता है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे चावल जो है वो तो बहुत ज़्यादा मतलब इसके अंदर लिक्विड रह गया था, बहुत ही हमारे जो है वो थोड़ा जो हमने मिक्सचर बनाया था वो हमारा ज़्यादा बन गया था और ज़्यादा जो है वो इसके अंदर मतलब फील हो रहा था। तो अब हमारा ये जो सीक्रेट है वो यहाँ पर ये आता है कि हमने इनको अच्छे से पहले इस चाशनी को नॉर्मल बनाना है जितना मैंने मिकदार बनाई है। तो अगर आप लोग उतनी ही मिकदार बनाएंगे तो कभी आप लोगों के पास ये वाली जो है वो शिकायत नहीं होगी कि मतलब हमारे ज़्यादा बन गए चावल या फिर जो है वो चावलों के अंदर पानी महसूस हो रहा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो हम लोग अब जब इसकी मतलब इतना पानी 80% जब इसका पानी सूख जाएगा तो तब हम लोग इसके अंदर जो है वो बाकी चीज़ें ऐड करेंगे जो हमने कलर्स ऐड करने हैं। हाँ जी, तब तक इसका पानी सूख रहा है तब जब तक मैंने अपने जो है वो बादाम जो मैंने इसके अंदर जो पिंक पीसेस के अंदर कन्वर्ट किए थे वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये मैंने किए थे तकरीबन 8 से 10 अदद बादाम, ये मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस के अंदर काट लिया था ताकि ये जो है वो खाते हुए अच्छे फील हों। तो मैं इसके अंदर इसको जो है वो डाल दूंगी अच्छे से। जितने आप लोग कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं, किशमिश कोई चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर बादाम यूज़ किए हैं और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं यूज़ किया, लेकिन आप लोग कुछ भी कर सकते हैं।
तो चलें तब तक इसको हम लोग हिलाते हैं। अब हम लोग इसको जो है आग तेज करके थोड़ी सी इसकी हम लोग इसके पानी को अंदर से सुखाएंगे। सुखाने के बाद जब हमें लगे कि अब जो है वो दम देने की स्टेज आ गई है, फिर हम लोग इसके अंदर कलर्स ऐड करेंगे। चलें तब तक इसके मैं पानी को सुखाती हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। जी तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने आखिरी स्टेप की तरफ। जो हमने कलर देना है उसका तरीका ये है कि मैं ये वाला टेबलस्पून, दो दो टेबलस्पून हर एक के अंदर डालूंगी और इनको अच्छे से जो है मिक्स कर लूंगी। ऐसे ही सबको कलर्स को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम लोग जो है वो फिर इसको अपने चावलों के अंदर डालेंगे। चलो मैंने एक कलर को मिक्स कर लिया है, बाकियों को भी हम लोग इसी तरह मिक्स कर लेंगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, ताकि जो इतने हमारे चावलों के लिए काफ़ी हो जाए। जी तो ऐसे ही मैंने तीनों कलर मिक्स कर दिए और हमारे मिक्सचर तीनों के कलर्स के तैयार हो गए हैं। अब हमारे चावल के अंदर जो पानी था वो बहुत अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हम लोग चलते हैं इसके फाइनल स्टेप यानी कि इनको कलर डालने की तरफ। तो चलें अब हम लोग डालते हैं इसके अंदर कलर्स। जी तो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं चावल बहुत अच्छे से बन गए हैं, सारा पानी खुश्क हो गया है, बस सिर्फ उतनी मिकदार रह गई है, सिर्फ 10% पानी रह गया है जो सिर्फ एंड पे दम देने के लिए काम आएगा। अगर हम लोग वो भी नहीं छोड़ेंगे तो हम जब दम देंगे तो हमारे चावल सारे जो है वो नीचे से जल जाएंगे। तो चलें अब हम इसको सेट करके अच्छे से रख लेते हैं। सेट करने के बाद अब हम लोग चलते हैं इसके अंदर कलर डालने की तरफ। तो चलें ये मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ अब कलर्स। कलर्स डालने का तरीका बहुत एहतियात से देखिएगा, वरना एंड पे आप लोगों के कलर सारे मिक्स हो जाएंगे। कलर हम लोग बहुत तरीके से डालेंगे, तो हम लोग एक कलर उठाएंगे। ये तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर रेड कलर। रेड कलर मैं ऐसे डालूंगी, या आप लोग एक ही जगह पर डाल दें, ऐसे भी डाल सकते हैं एक ही जगह पर, या फिर जो है आप थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे भी डाल सकते हैं। चलें ये वाला कलर मैंने डाल दिया। अब मैं डालूंगी इसके अंदर ग्रीन कलर। ग्रीन कलर भी हम लोग ऐसे ही डालेंगे, दरमियान में ऐसे हम लोग डाल देंगे एक लाइन में अच्छे से, ताकि जब हम लोग दम दें तो ये अच्छे से नीचे तक एंड तक चला जाए। और यहाँ पर हम लोग डाल देंगे येलो कलर। ये बहुत ही बेहतरीन बनेंगे चावल इंशाल्लाह। तो चलें अब हम लोग देते हैं इसको दम, अच्छे से दम दे देंगे, ताकि ये जो है अब कलर एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। तो चलें अब मैं इसको कवर करके दम देने लगी हूँ। बस लास्ट अब बस ये कि हम लोग दम इसको 15-20 मिनट के लिए देंगे, ताकि हमारे जो चावलों के अंदर पानी था, जो हमारा मिक्सचर थोड़ा सा वो रह गया था चीनी वाला जो हमने बनाया था, वो अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और अच्छे से कहीं भी जो है वो थोड़े से भी पानी ना रहे। अगर आप लोग ऊपर से मतलब कोई और चीज़ ड्राई फ्रूट डालना चाहे तो डाल सकते हैं। मैंने इसके ऊपर थोड़े थोड़े और बादाम डाल दिए हैं। चलें अब हम लोग देते हैं बस इसको दम, फिर हम लोग चलते हैं लास्ट स्टेप्स की तरफ। दम आ गया था, 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम दिया था और बहुत अच्छे से हमारे चावल बहुत अच्छे कलरफुल रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको करते हैं डिश आउट। और आप लोग देख सकते हैं कोई भी कलर एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुआ, बहुत ही अलग अलग कलर सारे फील हो रहे हैं। तो चलिए मैं इसको करती हूँ डिश आउट। गाइस मैंने इसको कर लिया है अब डिश आउट। देखिए आप लोग कितनी अच्छी लुक आई है, और मैंने सारे प्रोसेस आपके सामने किए हैं। ना तो मेरे चावलों के अंदर पानी ज़्यादा हुआ था, और ना ही मेरे चावल जो है वो नीचे से जले थे, और ना ही मेरे कलर जो है वो मिक्स हुए थे। तो चलें उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अगले कोई भी वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगी। तो चलें ये थी मेरी आज की रेसिपी। बस रेसिपी हो चुकी है एंड, अब हम लोग करेंगे इसको अच्छे से इंजॉय। तो चलें अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिएगा, और मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।